सो गाइज, ये है मेरा न्यू ट्राइपॉड जो कि मैंने रिसेंटली ही बाय किया था। मेरी जो लेटेस्ट वाली 6-7 वीडियोज है लास्ट, वो मैंने इसी से रिकॉर्ड की थी। और ये बहुत बेस्ट ट्राइपॉड है अगर आपको ओवरहेड वीडियो शूट करनी है तो, बेसिकली जो अनबॉक्सिंग या फिर ड्राइंग वाली स्पेशली जो कि मैं करता हूँ, इस तरह से हमको हाथ को रखना पड़ता है, ऊपर कैमरे का एंगल बिल्कुल ओवरहेड होना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट है। ये नॉर्मल ट्राइपॉड की तरह नहीं है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा मैंने क्यों बाय किया, किस तरह का है, काफ़ी मस्त है। उससे पहले बात करते हैं कि मैंने स्टार्ट किस तरह से किया था, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं फ़ोन से वीडियो बनाता था, और किस तरह से कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने जुगाड़ लगा के स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करता था मैं, और अब किस तरह से करता हूँ। सो गाइस, स्टार्टिंग में क्या होता, जब मैंने बिल्कुल चैनल स्टार्ट किया था, तब मैं बुक्स रख लेता था एक टेबल के ऊपर। यहाँ पे एक टेबल है मान लो, उसके ऊपर इतनी सारी बुक्स हैं, बहुत सारी, उसके अंदर एक लकड़ी फंसा दो और उसके ऊपर रख दो फ़ोन, और नीचे बस करते रहो। मतलब ये जुगाड़ लगाया था मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में, और इस तरह से मैंने अराउंड 40-50 के सब्सक्राइबर किए थे। उसके बाद मैंने एक स्टैंड लिया था, फ़ोन का स्टैंड था जो कि बहुत फ्लेक्सिबल था, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैंने इस फिर भी कैसे ना कैसे करके उससे कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की थी। उसके बाद फिर मैंने वही यूज़ किया था। बुक्स वाला आइडिया काफ़ी मस्त है, आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप बिगिनर है तो। मतलब बुक्स रख दो बहुत सारी एक टेबल के ऊपर, उसके अंदर कोई लकड़ी फंसा दो मोटी सी, उसके ऊपर आप फ़ोन रख दो, काफ़ी अच्छे से आपकी वीडियोज़ रिकॉर्ड हो पाएंगी, वो भी ओवरहेड में। तो कुछ टाइम तक मैंने इसी तरह से रिकॉर्ड किया, उसके बाद मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा बुक्स वाला सीन। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये ट्राइपॉड लिया था, इस ट्राइपॉड के ऊपर मैंने एक जुगाड़ सा किया था जिसपे मैंने वीडियो बनाई थी। सो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके ऊपर लगाने के मैंने लकड़ी का लगाया था, और जिसके अंदर पूरी लकड़ी इधर की तरफ से पूरी आ जाती है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं फ़ोन रख रहा था और काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड कर पा रहा था। इसी तरह से मैंने 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर किए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि कैमरे से रिकॉर्ड करना चाहिए, अब फिर कैमरे से मैंने रिकॉर्ड किया। फिर तो मैंने मेरी जो विंडो है, विंडो में ट्राइपॉड को अटका के, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया था। तो देख रहे होगा स्टार्टिंग से किस तरह से मैंने जुगाड़ कर करके, फिर किस तरह से फ़ोन से DSLR पे आके, और फिलहाल मैंने नया ट्राइपॉड फाइनली बाय कर लिया है जो कि बहुत बेस्ट ट्राइपॉड है। सो अब इस ट्राइपॉड के बारे में बात करते हैं। इसका बॉक्स वगैरह तो मैंने फेंक दिया था, इसका केस है जो कि पड़ा है, और देख सकते हैं आप काफ़ी छोटा ट्राइपॉड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये जो मेरा ट्राइपॉड है ये तो बहुत बड़ा है और हैवी भी है, और ये काफ़ी छोटा सा है, बट इसकी बॉडी मेटल की है, प्लास्टिक नहीं है, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मस्त है। एक बार इस पर DSLR लगा दो ना तो फिक्स रहता है, हिलता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये नॉर्मल ट्राइपॉड की तरह नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। सो ये कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पे है इसका मेन चीज़ जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी सबसे बढ़िया खास बात जिसकी वजह से मैंने इसको बाय किया है। सो गाइस, इसमें दो बॉल हेड्स हैं, एक तो यहाँ पे है, ये दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ पे है। ये तो यूजली इसको हम कहीं भी मोड़ सकते हैं इस तरह से, DSLR को किसी भी डायरेक्शन में पूरा। और जो ये वाला है ये और भी मस्त है। सो गाइज, ये है इसकी मेन चीज़ जिसकी वजह से मुझे बहुत पसंद आया। ओवरहेड काफ़ी अच्छे से शूट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, इसको कहीं भी घुमा सकते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी बॉल हेड है। अगर DSLR को हमने कहीं भी घुमाना है तो इसको भी हम घुमा सकते हैं, मैं भी आपको लगा के भी दिखा दूंगा। और जो ये ट्राइपॉड है ये डिजिटेक का DTR520BH, तो आप अमेजोन पर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा अगर आप चेक करना चाहें तो। सो गाइस, ये हमारा न्यू ट्राइपॉड जो कुछ इस तरह का है, मैंने ओपन कर लिया है। इसका जो ये मैकेनिज्म है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, जिससे कि हम ओवरहेड वीडियोस काफ़ी अच्छे से शूट कर सकते हैं। अभी मैं आपको ड्राइंग भी दिखा दूंगा कौन सी बना रहा हूँ। सिंपली हम यहाँ पे अपने DSLR को लगा सकते हैं और ये पूरा हर जगह घुमा सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में हमने वीडियो बनानी है। और ये काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी टाइट है, तो ये बिल्कुल भी हिलता नहीं अगर आपने एक बार टाइट कर दिया तो। एनीवेज गाइस, फिलहाल मैं बना रहा हूँ ये ड्राइंग, जो कि बनाने मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, 3 दिन से लगा हुआ हूँ, इसमें हाथ ही हाथ हैं, बट मैं बिल्कुल स्लोली बना रहा हूँ, तो देख लो कुछ इतनी कंप्लीट हुई है अभी, अभी ये 30% बाकी है। सो गाइस, कमेंट करके बताना ड्राइंग कैसी लग रही है, ड्राइंग मस्त लग रही होगी ना। आजकल इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं आ रहे, मैं ड्राइंग पे फोकस कर रहा था क्योंकि बहुत टाइम लगता है गाइस, दिख ही रहा हो आपको कितनी मेहनत। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने कल ही अपलोड कर दी थी, आपको चल गया होगा पता, वर्क इन प्रोग्रेस करके मैंने अपलोड कर दिया था, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो अब मैं ट्राइपॉड पे आपको कैमरा लगा के दिखाता हूँ। सो गाइस, फिलहाल मैंने इस पर DSLR लगा लिया है जो कि आप देख सकते हैं, और अब मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, और ट्राइपॉड बिल्कुल भी ज़्यादा हिलेगा नहीं बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्लास्टिक का नहीं है। तो इसको मैं देख सकते हैं आप, मान लो मुझे इस एंगल पे रखना है तो इस एंगल पे मैं रख सकता हूँ इसको, बस टाइट करना है तो मैं टाइट कर देता हूँ एक बार इसको। सो गाइस, ये देखो अब किस एंगल पे किस तरह से काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है, बस मैंने इसको टाइट किया है, इस स्क्रू को, अगर मैं इसको ढीला कर दूँ ये नीचे चल जाएगा पूरा। तो देख लो अभी किस पोजिशन में है ट्राइपॉड, इसको ढीला करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है।
तो अब ये पूरा ढीला हो चुका है। अब अगर इस एंगल पे मुझे रखना है, इस एंगल पे भी रख सकता हूँ, इस पर रखना है, इस पे भी रख सकता हूँ। जो आप मेरी साइड एंगल पे वीडियो देखते हैं वो सारी मैं कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ। तो देख लो, साइड में है कैमरा और कुछ इस तरह से ट्राइपॉड लगा रखा है मैंने, और नीचे ड्राइंग है। तो इस तरह से रिकॉर्ड होती रहती है। इसको मैं पीछे भी कर सकता हूँ और आगे भी कर सकता हूँ। और गाइज, ये है मेरा पुराना वाला ट्राइपॉड जो कि मैं पहले यूज़ करता था, और देख लो कितना ज़्यादा हैवी है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा है गाइज, कहीं पर ले जा नहीं सकते। और ये टूट गया, मतलब एक तो यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया, एक दो बार इसमें से कैमरा भी गिर गया था मेरा। तो मैं सोचा रिस्क लेते हैं, नया ट्राइपॉड ले ही लेते हैं। तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। मैं सोचा आप लेना ही है तो अच्छा लो, बिकॉज मैं ड्राइंग वीडियोज रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे को उसी पर्पज़ के लिए चाहिए। तो थोड़ा मैंने यूनिक सा लिया। और अगर आपको भी लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चेक करना चाहें तो। अराउंड 5,000 रुपीज़ का है, बट वर्थ इट है गाइस। ये मुझे पड़ा था 2,500 का, इससे डबल है, बट जो क्वालिटी है वो भी इससे डबल है। दो बॉल हेड्स हैं इसमें, एक भी बॉल हेड्स नहीं है इसमें, तो बस इस तरह से घूमता है ये, और हाथ से घुमाना पड़ रहा है, टूट गया ये इस तरह से घूमता है। बट उसमें आप कहीं भी पूरे चारों एंगल कहीं भी घुमा सकते हैं। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो। और कॉम्पैक्ट भी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वो तो इतना सा है, बस इतना सा है, यहाँ से इतना सा है वो। और ये तो दिखाई कितना बड़ा है, कहीं पर ले जा नहीं सकते उसको, कहीं पर ले जा भी सकते हैं। और काफ़ी लाइट वेट भी है वो, ये काफ़ी हैवी है। बट एनीवेज, मेरे पास दो ट्राइपॉड हो गए हैं, अब यूज़ तो कर सकता हूँ वैसे मैं इसको, अगर मुझे दो एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो। सो हाँ गाइज, बस मुझे आपको यही बताना था इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी और ड्राइंग भी पसंद आई होगी। ड्राइंग पसंद आई तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे तो। और व्लॉग्स इसीलिए नहीं आ रहे, मैं ये ड्राइंग बना रहा था, इसके बाद भी और प्लानिंग है मस्त मस्त हाइपर रियलिस्टिक और डिटेल्ड वर्क बनाने की। मैं खुद को चैलेंज कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वर्क बनाने की। व्लॉग्स मैं कम ही बना रहा हूँ, बिकॉज आसपास का एरिया या फिर घर का मैंने आपको दिखाई रखा है, तो आप बोर हो जाओगे वही वही देख देख। तो अगर मैं कहीं स्पेशल जगह पे जाता हूँ घूमने के लिए या फिर कोई कुछ स्पेशल करेंगे तो डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज आसपास के व्लॉग तो मैंने आपको दिखाई रखे हैं। फिलहाल तो बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ड्राइंग पे फोकस कर रहा हूँ, हाइपर रियलिस्टिक और डिटेल वर्क पे फोकस कर रहा हूँ। सो गाइज, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस देखते रहो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।